नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीजीटी बायोलॉजी केस की आज प्रयागराज में सुनवाई होनी थी। 2 सितंबर था, कोर्ट नंबर 37 में केस लगा हुआ था। मैंने सुबह आपको अपडेट दी थी, तो जो संभावना थी वही हुआ। सुबह मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आज हो सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आज वकीलों की हड़ताल के कारण कोई भी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही। आप देख पा रहे होंगे कोर्ट नंबर 37 है, पूरी कोर्ट खाली पड़ी हुई है यहाँ पर। और जो लीगल टीम के जितने भी याचिक सदस्य थे वो सब कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वही वकीलों की हड़ताल के कारण कोई भी आज सुनवाई नहीं हो पाई है। बायोलॉजी लीगल टीम ने पेशकार और लीगल सेक्शन से मिल करके अगले हफ्ते की डेट लगा दी है। ठीक है, अभी डेट फाइनल नहीं हुई कौन सी डेट मिली है, लेकिन अगले हफ्ते संभावना है कि डेट लगेगी। ठीक है, तो जैसा कुछ भी होगा अपडेट आने वाले वीडियोस में आपको लगातार मिलता रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसा आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बोला था कि जो टीजीटी बायोलॉजी का मैटर है वो 2 दिन में मतलब उसका निस्तारण किया जाए। ठीक है, उसके संबंध मैंने आपको एक ऑडियो भी सुनवाया था, जिसमें जो यूपी बोर्ड की सचिव है नीना श्रीवास्तव, उन्होंने बोला था कि हम सरकार को जो पूरा आदेश है, जो उसका प्रत्युत्तर है, वो हम शासनादेश भेज रहे हैं। तो उन्होंने आई थिंक भेज दिया है शासनादेश, लेकिन सरकार की तरफ से अभी से कोई भी एफिडेविट या काउंटर नहीं दाखिल किया गया है बायोलॉजी मैटर को लेकर के। आपको बता दें, यहाँ पर अगर नीना जो श्रीवास्तव मैडम है, उन्होंने जो अपना प्रत्युत्तर भेजा है बायोलॉजी केस को निस्तारित करते हुए, तो सरकार उस पर अपना जवाब देगी, काउंटर फाइल दायर करेगी मतलब कोर्ट में। तो अगर सरकार पूरा अपना जो जवाब है, एफिडेविट है, वो कोर्ट में फाइल कर देती है, तो अगर आप लोगों के पक्ष में होता है तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा केस है वो निस्तारित हो जाएगा और बायोलॉजी को 2016 एग्ज़ाम में मौका दिया जाएगा, या फिर आने वाली भर्ती मौका दिया जाएगा, या फिर हो सकता है बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं किया गया। 2 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब कब तक ये एफिडेविट सरकार लगाती है कोर्ट में, या कोई शासनादेश जारी करती है बायोलॉजी को लेकर के, ये देखना होगा। तो अभी फ़िलहाल का अपडेट यही है कि 2 सितंबर की आज की सुनवाई नहीं हो पाई है, अगले हफ्ते की डेट लगने की संभावना है, लेकिन अभी डेट कुछ भी नहीं लगी है। ठीक है, तो फिलहाल बायोलॉजी का जो मैटर है फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। अब जैसा कुछ भी होगा अपडेट आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।